टीवी इंडस्ट्री कोरोना वायरस की मार झेल रही है। लॉकडाउन के चलते ना तो टीवी सितारे शूटिंग कर पा रहे हैं और ना ही शो के प्रोड्यूसर किसी को सैलरी दे पा रहे हैं। कोरोना वायरस ने टीवी इंडस्ट्री की चकाचौंध के पीछे छिपी असलियत सबके सामने लाकर रख दी है। अब तो हालात ऐसे हो गए हैं कि टीवी जगत में काम करने वाले सितारे आत्महत्या के बारे में सोचने तक लगे हैं। सीरियल हमारी बहू सिल की टीम और क्रू मेंबर्स इस समय कुछ ऐसे ही हालात का सामना कर रहे हैं। टीवी सीरियल हमारी बहू सिल के लीड स्टार जान खान, चाहत पांडे और रीवा चौधरी ने भी इस बात का खुलासा किया है कि शो के मेकर्स उनकी सैलरी देने से साफ इनकार कर रहे हैं। शो में नजर आ रहे लीड स्टार जान खान ने तो सोशल मीडिया के जरिए हमारी बहू सिल्क के मेकर्स के खिलाफ मोर्चा तक खोल दिया है। सोशल मीडिया पर सीरियल हमारी बहू सिल्क के मेकर्स की पोल खोलते हुए जान खान ने लिखा है कि मैं ये पोस्ट मेरी टीम के टेक्नीशियन, कैमरामैन, शो की यूनिट, मेकअप मैन, मेरे को स्टार और अपने लिए लिख रहा हूँ। मैंने अपने करियर में कई बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ काम किया है, लेकिन आज तक किसी ने शो की टीम के साथ ऐसा नहीं किया। मुझे हमेशा समय पर भुगतान किया गया है, लेकिन हमारी बहू सिल्क के प्रोड्यूसर्स टीम के साथ गलत कर रहे हैं। वैसे तो ये हमारी टीवी इंडस्ट्री की कड़वी सच्चाई है, लेकिन फिर भी मैं इस अन्याय के खिलाफ बात करना चाहता हूँ। शो के निर्माता दिव्या निराले, ज्योति गुप्ता और सुधांशु त्रिपाठी को इस समय सब लोगों को वेतन देना चाहिए। बहुत हो गया, ये अमानवीय व्यवहार आपको बंद करना होगा। सूत्रों की माने तो हमारी बहू सिल्क के कलाकारों और बाकी टीम के लोगों को बीते लंबे समय से उनकी मेहनत नहीं मिली है। सैलरी ना मिल पाने की वजह से शो की टीम आर्थिक तंगी का सामना कर रही है। हालात बिगड़ने पर टीम के लोगों ने हमारी बहू सिल्क के मेकर्स को आत्महत्या करने की धमकी तक दे दी है। टीम में काम कर चुके लोगों का कहना है कि अगर उनकी सैलरी नहीं दी गई तो उनके पास जान देने के अलावा और कोई रास्ता नहीं रह जाएगा। जी हाँ, ये है पूरी असलियत। और क्या है आपका कहना इस शॉकिंग सी न्यूज़ पर, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें।